हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। आइए देखते हैं आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ओपन किया है। तो अभी हमें जाना है व्यू पर और यहां से डिजाइन जो के आना है और एक टेबल हम डिजाइन करने वाले हैं। क्या क्वेरी बनाने की भी जरूरत है क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में? अगर मान लीजिए कि अगर आप छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें कहां क्वेरी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2021 यूज करते हो तो वहां पर आपको क्वेरी बनाने की तो कम से कम जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आइए देखते हैं। यहां पर एक टेबल बना रहा हूं और ये टेबल जो है प्रोडक्ट के नाम से है। ये कर दिया हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टी और अब इस टेबल को हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए प्रोडक्ट आईडी आएगा और यहां पर बात आएगी नेम ऑफ प्रोडक्ट की। तो ये हो गया, नेम अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे क्योंकि गैप यहां पे एक्सेप्ट नहीं करता है। अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर दिया, तो ये हो गया नेम ऑफ प्रोडक्ट। और नेम ऑफ प्रोडक्ट जो है शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे और इसकी प्राइस यहां पर आएगी। तो ये हो गया प्राइस। और प्राइस के बाद यहां पर जो है आपको नंबर डेटा टाइप रखना है। आप करेंसी रख सकते हैं, चलिए करेंसी कर लेते हैं। और यहां पर क्या करेंगे, यूनिट करेंगे। तो यूनिट हमें डेसिमल में लिखना है, तो डेसिमल के लिए क्या करेंगे, डेसिमल के लिए यहां से जाएंगे, नंबर करेंगे और इसे बना देंगे डबल। तो यहां पर आप डबल बना लीजिएगा, ये डबल आपको रख लेना है। ठीक है, डबल रखते ही अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो देखिए ये 2007 नहीं है। यहां पर आप क्वेरी नहीं बनाएंगे तो यहीं पर कैलकुलेट करने की सुविधा है। कैसे, आइए दिखाता हूं। यहां पर आप जाते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट आपको दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन पे जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। ठीक है, अब ये जैसे ही ओपन होता है तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है आपको प्राइस को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से। तो ये हो गया प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट। तो ये जब प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर आपका काम हो जाएगा और यहां पर आपको क्वेरी तो बनाने की कम से कम जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब यहां पर चीजें होती चली जाएंगी। यानी कि यहां पर अगर आप टेबल में कोई नाम देना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट का तो आसानी के साथ दे सकते हैं। जैसे यहां पर हमने दे दिया कीबोर्ड, तो यहां पर एक नाम आ गया कीबोर्ड। तो यहां पर इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कीबोर्ड। और कीबोर्ड लिखने के बाद यहां पर कीबोर्ड की प्राइस आएगी, तो यहां पर जो भी प्राइस है वो डाल दीजिए। यूनिट डालेंगे तो यहाँ पे टोटल अपने आप हो रहा है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कर दिया माउस, MOUSE माउस कर दिया, तो यहाँ पे माउस की प्राइस, तो जो भी प्राइस है वो डाल दीजिए। और मान लीजिए 70 माउस की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए टोटल अपने आप होता चलेगा। ये फायदा है आपको। अगर आप 2016 या उससे ऊपर का वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप। ठीक है, और इसमें बड़े आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ SMPS। तो यहाँ पे SMPS की जो कॉस्ट है वो है 2000 रुपए, तो ये 2000 डाल दिया। अब मान लीजिए 30 SMPS जो है परचेस किए गए या सेल किए गए, जो भी है, तो यहाँ पर कॉस्ट देख सकते हैं यहाँ पे आ जा रहा है, टोटल अपने आप आ रहा है। अब हमको क्या करना है, यहां से सीधा सीधा इसी के लिए एक फॉर्म डिजाइन करना है। तो फॉर्म डिजाइन करना बड़ा आसान है। कैसे डिजाइन करेंगे, तो यहां से फॉर्म विजिट पे जा सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक दो या दो से अधिक फॉर्म होते हैं तो उसके लिए आप नेविगेशन फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास एक ही फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं या यहां से मोर फॉर्म पे या फॉर्म विजिट पे भी जा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इस बार कहां, ब्लैंक फॉर्म पर। तो ये ब्लैंक फॉर्म पे आएंगे ना तो यहां पर ये इस तरीके से दिखेगा और यहां पे 100 टेबल्स नजर आएगा। तो ये हमारी टेबल है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होंगी, तो हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट आ गया जो कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। इसके बाद जो दूसरा फील्ड है वो है आपका, ये देख सकते हैं, प्राइस। और तीसरा फील्ड है यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट भी लाके रखते हैं, ये हो गया यूनिट। और लास्ट में है टोटल, तो यहाँ पे टोटल भी लाके हमने रख दिया है, देख सकते हैं। अब यहां पर जो है ये डिजाइन व्यू में नहीं है, तो यहां से आप इसे डिजाइन व्यू पे ले लीजिए। अब डिजाइन व्यू पे लेंगे तो ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल प्रॉपर वे में नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहां पर साइज काफी छोटी बड़ी यहां पे अनअरेंज दिखाई दे रही है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम। छोटा कर लिया, ये जो बैकग्राउंड है उसे भी चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज होगा बैकग्राउंड, अब देखिए दिया हुआ है अल्टरनेट कलर। क्या आप अल्टरनेट कलर यूज करना चाहते हैं, तो अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम यहां पर बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, तो यहां से जाकर के हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके क्या करना है, यहां से बोल्ड करना है और कलर चेंज कर देंगे, थोड़ा सा डार्क कलर रखेंगे तो सही से दिखेगा, हमें सारी चीजें एकदम स्पष्ट दिखाई देंगी। अब क्या करना है, अब यहां पर बटन्स बनाने हैं हमको। बटन क्यों बनाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि फॉर्म कन्वीनियंस प्रोवाइड करे और यहीं पर सारी चीजें हो सके। यानी अगर आपको दूसरा देखना है रिकॉर्ड तो दूसरा दिखे, तीसरे प्रोडक्ट का नाम देखना है तीसरा दिखे, चौथे प्रोडक्ट का नाम देखना है चौथा दिखे, तो जो भी आपको देखना है यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हैं। आप चाहे तो आईडी भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आईडी लिया नहीं है। तो अगर आईडी भी लेना चाहें तो यहाँ पर आईडी लगा सकते हैं, यहाँ से ट्रैक करके लाएंगे इसको
तो यहां पर ऊपर आपको आईडी भी दिखाई पड़ने लगेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और अब यहां पर देखिए आईडी भी आ चुका है, तो आईडी को सेलेक्ट करके इस तरीके से इसको भी हम ब्लैक कलर में चेंज कर देंगे। तो यहां पर बोल्ड करके ये ब्लैक कर दिया, तो ये इस तरीके से अब यहां पर आईडी भी आ गया है, देख सकते हैं। तो आईडी के आ जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहां पर बटन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्लिक करेंगे फॉर्म डिजाइन पर, और यहां पर आपको मिल जाता है ये बटन, तो क्लिक करिए और यहां पर ड्रैग करवा लीजिए। जैसे ही ड्रैग करवाते हैं तो यहां पर ये ओपन हो जाता है कमांड बटन विजार्ड, ठीक है। और जब ये ओपन हो जाए तो क्या करना है आपको, जैसे ही ये ओपन होगा तो अभी हमें बनाना है क्या, नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन यहां पे मैं बना रहा हूं, और हम टेक्स्ट चाहते हैं पिक्चर नहीं चाहते हैं, तो यहां पर ये कर सकते हैं, और यहां पर ओके कर दिया। तो ये देखिए यहां पे नेक्स्ट रिकॉर्ड का एक बटन तैयार हो गया। अभी हमें दूसरा बटन बनाना है, तो फिर इसी पे क्लिक करना होगा, ठीक है, और यहां पर ड्रैग कराना होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर ड्रैग कराया। अब यहां पर हम चाहते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बन जाए, तो प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बना लेते हैं। नीचे दिया हुआ है गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, तो यहां पे जाएंगे और टेक्स्ट करेंगे, और यहां पे नेक्स्ट करेंगे, और यहां पे फिनिश कर देंगे। तो ये देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन बनके तैयार, ठीक है। तो इस तरीके से ये बटन्स वगैरह बन जाएंगे, और जब बटन्स बन जाए फिर देखिए इस पे भी क्लिक कर लेते हैं, एक और बटन बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से बटन बनाना मैं सिखा रहा हूँ आपको, कि कितने तरीके के बटन आप बना सकते हैं। यहां पर जाएंगे देखिए यहां पर एड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन है, तो इसको भी हम बना लेते हैं। यहां पर जाकर के ये सारी फैसिलिटीज आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, और ये काम आपका बड़ा आसान कर देता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए एड रिकॉर्ड का बटन भी बन करके तैयार, ठीक है। तो बड़ा आसान है, आराम से आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये अरेंज हो जाने के बाद इसको थोड़ा सा ये बढ़ाएंगे यहां पर नीचे की तरफ, तो ये इस तरीके से आएगा। अब अगला रिकॉर्ड जो बनाना है, अगला बटन जो बनाना है, इस पर क्लिक करके फिर ड्रैग करा देना है। इसको ड्रैग कराएंगे तो देखते हैं अब कौन से बटन हमें बनाने हैं। तो यहां पर हम जो है डिलीट रिकॉर्ड का एक बटन बनाते हैं, तो रिकॉर्ड को डिलीट यहीं से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां पर जाकर के नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए, और यहां से फिनिश कर दीजिए। तो यहां पर देखिए डिलीट रिकॉर्ड का भी एक बटन बन के तैयार, ठीक है। इस तरीके से जितने चाहे उतने बटन जो कि दिए गए हैं आप बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैनुअल बटन बनाना, मैनुअल बने समझ रहे हैं, मैनुअल का मतलब ये हुआ कि आप खुद डिजाइन करिए उस बटन को, कि वो बटन किस तरीके का टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए आपको वीबीए कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आए और देखिए क्विट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए क्विट एप्लीकेशन का बटन है, ठीक है। तो यहां पर क्विट ऐप आ गया। तो अभी इतने सारे बटन हमने बनाए, देख सकते हैं, चाहे तो इनका भी कलर आप बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल कलर बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म इस तरीके से ओपन होता है। तो थोड़ा सा और इसको बेटर लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से चलेंगे डिजाइन व्यू पर। तो ये आ गया डिजाइन व्यू पर। अब डिजाइन व्यू पर जैसे ही आते हैं तो यहां आपको नजर आता है प्रॉपर्टी शीट, प्रॉपर्टी शीट पर आकर के, और यहां पर चूंकि हमने फॉर्म लिया है तो यहां पर फॉर्म ही हमें चूज करना है, और फॉर्म को चूज करके हमें क्या करना है, यहां पर पॉपअप को यस करना है। ये यस कर दिया, ठीक है, और बस ये यस करके ओके करिए। अब देखिए ये आपका फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मान लीजिए नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो रिकॉर्ड नंबर 2 आ गया, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाना है, रिकॉर्ड नंबर 1 आ गया। फिर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, देखिए 3 रिकॉर्ड यहां पे आ गए। अगर कोई रिकॉर्ड ऐड कराना चाहते हैं तो यहां से ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, और क्विट ऐप से आप बाहर निकल जाएंगे इस ऐप से, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है सेव कर लीजिए, तो मैं इसे सेव कर देता हूं मार्केट ऐप के नाम से, ऐप यानी फॉर्म। तो ये फॉर्म ही हमने बनाया है, तो इस तरीके से सेव करके हमने क्लोज भी कर दिया। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ इस तरीके के छोटे मोटे सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं एक्सेस पर, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।